नमस्कार दोस्तों, हैकिंग ट्यूटोरियल की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हैकिंग बेसिकली एक प्रिंसिपल होता है जहां पर एक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। वहीं बात करें हम टाइप ऑफ हैकर्स की, ये टाइप ऑफ हैकर जो होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। पहले ब्लैक हैट हैकर, दूसरा व्हाइट हैट हैकर और तीसरा होते हैं हमारे ग्रे हैट हैकर। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर। वो हैकर होते हैं जो इलीगली किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को बिगर उनकी परमिशन के एक्सेस करते हैं, इलीगली एक्सेस करते हैं और उनके डाटा को मॉडिफाई भी कर देते हैं। ऐसे हैकर हमारे ब्लैक हैट हैकर कहलाते हैं। वहीं बात करें हम वाइट हैट हैकरों की, ये वो हैकर होते हैं जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इन्हें खुद परमिशन देती है कि उनके डाटा को वह एक्सेस कर सकें। अब आप के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कोई भी कंपनी क्यों करेगी। मैं आपको बताता हूँ, कंपनी उन्हें इसलिए एक्सेस करने के लिए देती है अपने डाटा को ताकि वाइट हैट हैकर उनकी कंपनी के डाटा को ब्लैक हैट हैकरों से बचा कर रखें। ये जो वाइट हैट हैकर होते हैं यही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको परमिशन होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं तो अब बात करते हैं ग्रे हैट हैकरों की। ग्रे हैट हैकर वो हैकर होते हैं जो अपने फन के लिए हैकिंग करते हैं। इनके पास कोई परमिशन नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को एक्सेस करने की। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले 15 अगस्त को एक न्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर किसी ने भारत का झंडा लगा दिया था। तो ये जो काम होता है ये ग्रे हैट हैकरों का होता है, क्योंकि इनके पास कोई परमिशन नहीं होती कि वो किसी भी पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर जाके भारत के झंडे को लगाएं। इनके पास ये कोई परमिशन नहीं है, लेकिन लोग कुछ हैकर जो होते हैं वो अपने फन के लिए ये काम करते हैं। वहीं बात करते हैं हम कि गोल ऑफ इथिकल हैकिंग क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला गोल होता है इथिकल हैकिंग का, या फिर हम कह सकते हैं वाइट हैट हैकरों का जो गोल होता है वो ये होता है कि वो प्रोटेक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी को। और वहीं उनका दूसरा काम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वो सिस्टम है, जो भी वो सर्वर है, उसमें बग्स फाइंड करें या फिर कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसको जो है अपने जो सीनियर है उनको रिपोर्ट करें कि ये आपके सर्वर में बग्स मिले हैं, इसको रेक्टिफाई कर दिया जाए जिससे कोई और ब्लैक हैक हैटर इसका फायदा उठा के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को एक्सेस ना करें। वहीं बात करते हैं हम कि आपको कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है हैकिंग करने के लिए। सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडो है, लिनक्स है और भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए यदि आप एक हैकर बनना चाहते हो। तो उसके बाद दूसरी चीज होती है हमारी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आपको HTML आना चाहिए या फिर DBBS होता है। DBBS का मतलब होता है डिजिटल बेस्ड बूट सिस्टम, आपको ये आना चाहिए। ये यदि आप प्रोफेशनल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने फन के लिए या फिर सीखने के लिए हैकर थोड़ी बहुत हैकिंग सीखने के लिए आप हैकर बन रहे हैं तो आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो इसमें मेन फैक्टर होता है वो है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आपको जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है या फिर जावा स्क्रिप्ट है, ऐसी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बताता हूँ कि मान लो आपको कोई वेबसाइट हैक करनी है और वेबसाइट मोस्टली HTML या JavaScript या CSS इन सब में लिखी रहती हैं। हम ये सोचते हैं कि वो वेबसाइट जो आप हैक करना चाहते हो वो HTML में लिखी है, तो अगर आप उस वेबसाइट को हैक करना चाहते हो तो आपको HTML भी ज़रूरी आना चाहिए। इसका मतलब जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को आप हैक कर रहे हो उस चीज़ की जो कोडिंग है वो आपको आनी चाहिए। अब आप सिर्फ बेसिकली सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसे और इजीली समझ पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे और भी लोग हैकिंग के बारे में इंट्रोड्यूस हो सके।